देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हमारा एक्टिविटी का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इजी क्वेश्चन है जो कि हमारा उसी प्रॉब्लम से लिया गया है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का ठीक रहा होगा, और जिनका ठीक नहीं हुआ है हम देखेंगे कि उसने क्या मिस्टेक की है। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कर ली यू बाय कर ली वाई माइनस एक्स, कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू गिवन है साइन एक्स, और u ऑफ 0.1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो कंपैरिजन हम करवाते हैं। किससे कंपैरिजन करवाते हैं? क्यू एक्स वाई, तीन वेरिएबल लगा लो, दो भी है यहाँ, टू चले हुए है इसमें कोफिशिएंट इनके, और है ये क्या कर ली यू वाई कर ली एक्स पी u by curly y is equal to r function x y का क्या होता था इसका सॉल्यूशन? dx by में x का कोफिशिएंट, dy upon में y का कोफिशिएंट, और u upon में ये जो भी है r, ये इसका फॉर्म होती थी बच्चों। कोसी प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। आइए कंपैरिजन करके, पहली बात तो यहां क्या है, ये प्लस में इक्वल टू जीरो, इसको वहां भेजो तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का u माइनस वन हो जाएगा। अब कंपैरिजन कर देते हैं, क्या होगा यहां से, dx अपॉन में x का कोफिशिएंट माइनस का x हो गया। देखो ये dx अपॉन में क्या लेना, du बाई dx का कोफिशिएंट, dy अपॉन में du बाई dy का कोफिशिएंट क्या है वन, और du अपॉन में ये कोफिशिएंट क्या है माइनस का u माइनस का वन, ये आ गया। कंपैरिजन करें। अच्छा, इस कंडीशन का क्या यूज होता है, c1 c2 दो जो कांस्टेंट आएंगे उनके बीच में रिलेशन निकालने में इसका यूज है। अभी दोनों पे इवैल्यूएट कर दिया पहले और सेकंड को, तो यहां से क्या आएगा, dx अपॉन में माइनस का x और dy अपॉन में 1, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहां से क्या आएगा माइनस का log x और इक्वल टू वाई डी वाई का प्लस में कॉन्स्टेंट सी, एंटी लॉग को साइड कर दो, एंटी लॉग लेने से ये माइनस या माइनस को वहां भेज दो, अब एंटी लॉग को साइड, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की पावर में माइनस वाई प्लस में सी, चाहोगे इसको लिखो ए की पावर माइनस वाई अलग से, ए की पावर सी अलग से, अब सी एक कॉन्स्टेंट है, ए की पावर सी का मैंने नया नाम रख दिया सी, सी वन नाम रख दिया सी वन, यहां से क्या आ गया ए की पावर माइनस वाई इंटू में सी वन, ये इस तरफ भेज दो, यानी सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से सी वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन में ए की पावर माइनस वाई, इसको अच्छे से लिखना चाहो तो एक्स इंटू में ए की पावर वाई, ये आ गया हमारा सी वन। क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया बच्चों सी वन। अब सेकेंड और थर्ड को कंपेरिजन करके हम सेकेंड कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं बच्चों, यहां से क्या आएगा इसका y, इसका माइनस का y प्लस में c कर दिया, ये log माइनस है इस तरफ भेज दिया मैंने, माइनस log u माइनस वन, एंटी log बोथ साइड, तो e की पावर माइनस का y, उसका नाम रख देंगे c2 इक्वल टू u माइनस वन, इसको उठा के यहां भेज दो, तो यहां से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई, u की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों e की पावर माइनस का वाई c2, या c2 की वैल्यू निकाल दो, c2 की वैल्यू निकालेंगे तो c2 की वैल्यू जो आएगी ये आएगी u माइनस वन इंटू में e की पावर वाई, ये c2 आ गया, यानी कि u माइनस वन e की पावर वाई बराबर c2, c1 c2 आ गया। अब ये आने के बाद इस पहली कंडीशन का यूज करके C1 C2 के बीच में रिलेशन निकलेगा, क्या करना है, ये है क्या है, ये u of x कोमा जीरो किसके बराबर है बच्चों, साइन x के, हमने क्या किया x को ले लिया t, तो y कितना आ जाएगा जीरो, और u कितना आ जाएगा साइन ऑफ t, पुट कर दो वैल्यू, ये क्या आ जाएगा x को t रखा y को जो e की पावर जीरो वन, आ गया सी वन,
C2 क्या जाएगा यहां से, U क्या है साइन बी माइनस वन e की पावर 01 बराबर में C2। C1 C2 में रिलेशन देखना है, P की वैल्यू पुट कर दो, क्या है C1, तो क्या आ गया ये साइन C1 माइनस वन बराबर C2। ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ले जाके वैल्यू पुट कर दो C1 C2 की। साइन C1 की वैल्यू क्या थी, ये रही x e की पावर y माइनस वन बराबर C2। C2 की वैल्यू है u माइनस वन इंटू में e की पावर y, ये है। अब u निकालना हमें, यहां से देखो बच्चों u माइनस वन किसके बराबर हो जाना है, ये हमारे पास हो जाना बच्चों साइन x e की पावर y माइनस वन अपॉन में e की पावर y, और माइनस का वन वहां जाकर बच्चों प्लस का वन, ये हमारे पास आ गया बच्चों u ऑफ x कोमा y। अब हमें दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, लेकिन हमने इससे इसने सॉल्यूशन नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा है u ऑफ 0,1 की वैल्यू, यानी कि u ऑफ 0,1 x को लेना है हमें 0 और y को लेना है 1, तो क्या होगा यहां से x को 0 रखेंगे sin 0 की वैल्यू 0, तो क्या आएगा माइनस का 1 e की पावर 0 प्लस का 1, तो क्या आएगा ये y को क्या लेना 1, तो क्या आंसर आएगा 1 माइनस 1 बाई e, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या आंसर आएगा इसका 1 माइनस 1 बाई e, क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई e। आई होप आप सभी ने जो इसका सॉल्यूशन है बच्चों ऐसे ही किया होगा, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही स्टडी करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू फ्रेंड्स।